आपका क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो उसने क्या बोला है, हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है, और किसका निकालना है, स्क्वायर का। तो देखो आपका स्क्वायर ऐसे होता है, ठीक है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कि आपका एवरी साइज आर इक्वल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड स्क्वायर। कुछ लोग बोलते हैं इसको साइड स्क्वायर, कुछ लोग इसको बोलते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोग लेंगे उसको एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ इंटू लेंथ इज आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आपका क्या आएगा, एल स्क्वायर, और इसने यहां पर दिया है 441, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू रूट ओवर 441। तो यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 441 का। तो अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसके फैक्टर्स निकाल के कर लो, प्राइम फैक्टर्स, और अदरवाइज डिवीजन वाले से कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। तो हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो ये है आपका 441, ठीक है। तो ये देखो पेयर कर दिया हमने फर्स्ट, तो यहां पर देखो किस फोर इज किसका स्क्वायर है, टू का, तो यहां पर लिख देंगे टू, तो ये आ जाएगा टू बी ऊपर, तो यहां पर हो गया फोर। अब यहां पर हमने टू लिखा था तो प्लस टू कर देंगे, तो ये हो जाएगा फोर, और ये हो गया, यहां पर दोनों को पेयर को एक साथ नीचे उतारना है तो 41। अब आपको एक नंबर यहां लिखना है, सेम नंबर यहां पर भी लिखना है, और ये जो नंबर लिखेंगे उससे ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहां पर है वन, तो यहां पर आप वन लिख दो, तो मल्टीप्लाई किया, 1 × 41 इज 41। तो आपका देखो लेंथ कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इसको निकाल